के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिक्स चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, क्लास सेवन हिस्ट्री, दैट इज टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। देखो इससे तुरंत पता चल जाता है कि पक्का ये अर्बन सिटीज़ का बात होगा, क्योंकि अर्बन ही टाउन्स है और वहीं पे ज़्यादा ट्रेडर्स होंगे और वहीं पे क्राफ्ट पर्सन्स होंगे। सही बात है ना, यानी कि टाउन्स बन रहे हैं। देखो, व्हाट वुड ए ट्रैवलर विजिटिंग ए मेडिवल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड। जो वहाँ पे मेडिवल टाउन में जब विजिट करेंगे ट्रैवलर तो क्या पाएंगे। दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ टाउन इट वाज। वो कैसा टाउन है, क्या वो टेम्पल टाउन है, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वाला टाउन है, या फिर कमर्शियल टाउन है, या पोर्ट टाउन है, उस हिसाब से ट्रेडर्स को मिलेगा चीज़ सब। सही बात है ना, यदि टेम्पल वाला टाउन गया तो उसको पूजा पाठ वाला चीज़ सब दिखेगा और उस हिसाब से उसका डिमांड होगा अगरबत्ती का, फ्लावर्स का, तो उस हिसाब से व्यापारी बनेंगे वहाँ। यदि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जाएंगे तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ बिकेगा या खरीदा जाएगा या फिर सर्विस का बात होगा वहाँ पे। सो इन फैक्ट मैनी टाउन्स कम्बाइंड सेवरल फंक्शन, बट यदि हम देखेंगे ओवरऑल तो बहुत सारे टाउन्स एक साथ आके बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। चलो इधर टेम्पल वाला भी काम, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला भी काम, तो इसमें ट्रेडर्स और पनपेगा, एक ट्रेडर्स दूसरे ट्रेडर्स पर डिपेंडेंट है। तो दे वर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, टेम्पल टाउन्स एज वेल एज सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज एज वेल एज योर क्राफ्ट प्रोडक्शन। यानी कि बहुत सारे टाउन्स एक साथ है, उसमें अलग 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 चीज़ हो रहा है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी हो रहा है, प्रशासन का भी काम हो रहा है, उसमें टेम्पल वाला भी काम हो रहा है, रिलीजियस काम भी हो रहा है, क्राफ्ट प्रोडक्शन का भी काम हो रहा है इत्यादि। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे टाउन्स के बारे में दिखाया गया, वृंदावन, पुष्कर, देखो पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में, अजमेर देख लो, अहमदाबाद देख लो, सोमनाथ देख लो, बेरार देख लो, बिदार देख लो, बीजापुर देख लो, गोलकोंडा देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कमलापुरम देखो, और भी बहुत, देखो नीचे का देखो, कांचीपुरम देखो, तिरुपति देखो, तिरुपति कितना फेमस है कि नहीं है, तंजावुर देखो, मदुराई देखो, एंड सो मैनी, है ना, सो मैनी, मुर्शिदाबाद देखो, कलकत्ता देखो, तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट उस समय का टाउन्स और सिटीज़ है जहाँ पे ये ट्रेड और कॉमर्स फ्लरिश हो रहा है। मसूलीपट्टनम देख लो, मसूलीपट्टनम का बहुत बड़ा इतिहास, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर देख लो, तुमने पढ़ा है चोला डायनेस्टी के बारे में, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सेकंड चैप्टर वहीं बोल रहा है कि लेट्स ट्रैवल इन आवर इमेजिनेशन, चलो तंजावुर चलते हैं जो कैपिटल है चोलास का, और देखते हैं कि उतना हजार साल पहले क्या स्थिति था वहाँ पे। पेरिनियल रिवर, कावेरी फ्लोस, कावेरी रिवर वहाँ से फ्लो हो रहा है ना, कर्नाटका से निकलता है, जाता है तुम्हारा तमिलनाडु के पास और जाके तुम्हारा वेस्ट बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है वहाँ पे। तो वही बोला जा रहा है कि देखिए चलो हम देखते हैं पेरिनियल रिवर कावेरी, जो कि ब्यूटीफुल टाउन के आसपास वो फ्लो होता है, क्योंकि उसी पे तुम्हारा टाउन बसा हुआ है। ऑन वन हेयर द बेल्स ऑफ द राजा राजेश्वर टेम्पल, सही बात है ना, वहाँ पे तुमको उस जगह पे तुमको टेम्पल का ध्वनि सुनाई देगा, यानी कि आवाज़ सुनाई देगा, राजा राजेश्वर का टेम्पल जो बना था, जो किंग राजा राजा चोला बनाए थे। द टाउन पीपल्स आर ऑल प्रेज फॉर आर्किटेक्ट कुंजरा, क्या है तुम्हारा, कुंजरा मल्लन राजा राजा, बहुत खतरनाक नाम है देखो, पेरंथा छन हु हैज़ proudly carved his name on the temple। ये जो राजा, ये राजा क्या करते थे, अपना नाम लिखते थे, तुम लोग जानते हो, अब साउथ का नाम है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होता है समझ लो, इंग्लिश वर्ड से भी थोड़ा डिफिकल्ट है, द्रविड़ा का जानते हो, इसके टेढ़ा मेरा है, तो ये लोग जानते हो कि टेम्पल तो बना ही दिया, बाद साथ साथ अपना नाम भी लगा देगा, वही रीज़न है, नाम लगा देगा तो उसका आस्था बढ़ जाएगा, इस पर कई लंबा भी बात किए थे हम लोग। और अंदर टेम्पल के अंदर जाओ तो शिवलिंगा है, क्योंकि शिव जी का मंदिर है ये। बिसाइड द टेम्पल, टेम्पल छोड़ो, और भी बहुत सारा प्लेसेस है जो मंडपास और पवेलियंस, किंग्स होल्ड कोर्ट इन दिस मंडपा, इस मंडपा पे किंग अपना जस्टिस सिस्टम देते थे, ऑर्डर इशू करते थे अपने सबऑर्डिनेट को कि बाबू तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, अपने ऑफिसर्स को। देर आर ऑल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी, आर्मी का अपना बैरक्स था, यानी अपना अपना टुकड़ी सब था कि आर्मी में क्या काम करना है, यानी कि टेम्पल प्ले अस एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, बात समझो, यहाँ पे टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव का रोल प्ले कर रहा है, और उस समय जितना बड़ा टेम्पल उतना बड़ा साम्राज्य तुम्हारा और उतना ही किंग पावरफुल। द टाउन इज बस्टिंग विद द मार्केट सेलिंग ग्रेन्स, देखो टाउन में पूरी तरीके से क्या है कि ग्रेन्स मार्केट, उस टाउन के अंदर मार्केट है, वहाँ पे ग्रेन बेचे जा रहे हैं, स्पाइसेस है, क्लोथ है, ज्वेलरी है, वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम, देखो पानी वहाँ से आएगा, कहाँ से पानी आएगा, वेल से आ रहा है, टैंक से आ रहा है, सलिया वेवर्स, तंजावुर का जो सलिया वेवर से, क्यों याद करो, तुम लोग को स्टेट पढ़ाया गया था तो बताया गया था तमिलनाडु कितना अच्छा लैंड है कॉटन के लिए, बताया गया था कि नहीं बताया गया था, देखो वही चीज़ तो है कि जो सलिया वेवर से, यानी कि सलिया मतलब सलिया एक ट्राइब, सलिया एक कम्युनिटी का नाम है, कम्युनिटी समझते हो ना, जैसे कि अलग अलग कम्युनिटी होता है, तो सलिया एक कम्युनिटी का नाम है, जैसे इजाबो कास्ट है केरल में, ठीक है, इसी तरह अलग अलग होता है वहाँ पे, तो इस तरह के लोग हैं, बहुत बिजी हैं वो तंजावुर में काम कर रहे हैं, नियर बाई टाउन उड़ाइवर, बहुत बिजी है तुम्हारा क्लोथ बनाने में, ठीक है, और वो फ्लैग, स्पेशली फ्लैग, जो कि फ्लैग तुम्हारा हिंदू फेस्टिवल, हिंदू टेम्पल्स वगैरह में लगाया जाएगा, फेस्टिवल के टाइम में लगाया जाएगा,
फाइन कॉटन है, किंग के लिए बनाया जाएगा, ठीक है, नोबिलिटी के लिए बनाया जाएगा, मासेस के लिए बनाया, यानी कि बहुत डिमांड है इसका, क्राफ्ट पर्सन्स का बहुत डिमांड हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, टेम्पल में डिमांड है, लोगों को डिमांड है, नोबिलिटी की डिमांड है, हर जगह डिमांड ही डिमांड है। सम डिस्टेंस अवे एट स्वामी मलाई दस स्थापा क्या है तुम्हारा स्थापित और स्कल्पचर्स आर मेकिंग एग्जीक्यूट ब्रॉन्ज आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल्ट मेटल लैंप्स। और बोला है कि उसके आसपास का एरिया देखोगे थोड़ा डिस्टेंस में तो तुम्हें वहाँ पे स्कल्पचर भी दिखेंगे, यानी कि बनाने मूर्ति बनाने वाले लोग हैं वो ब्रॉन्ज आइडल्स बना रहे हैं, टॉल है, लंबा है, बड़ा बड़ा है, ऑर्नामेंटल बेल्ट मेटल, यानी कि कहने का मतलब कि क्या क्या बताने की कोशिश किया गया कि क्राफ्ट पर्सन देखिए वेल इवॉल्व हो चुका है, डिमांड है। अब इतना बढ़िया मंदिर है तो कोई भी सोचेगा ना कि मंदिर इतना बढ़िया है तो उसके साथ सामान भी बढ़िया होना चाहिए, ऑफरिंग्स अच्छे होने चाहिए, उसमें स्कल्पचर मूर्ति वगैरह अच्छा होना चाहिए, तो अपने आप तुम्हारा इसका डिमांड बढ़ते चला जाएगा। तो टेंपल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स देखो, तंजावुर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे टाउन से बना हुआ वो टेम्पल है। टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, देखो ये अर्बनाइजेशन का ही दूसरा रूप है जहाँ पे इस प्रोसेस में टेंपल के वजह से सिटीज डेवलप्ड हो रहे हैं, क्योंकि लोग आएंगे टेंपल को देख के पूजा करने के लिए, वहाँ पे रोजगार क्रिएट होगा, रोजगार क्रिएट होगा तो इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट होगा, इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट होगा तो पूरा टाउन बन जाएगा। बेगूसराय एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है ना, काली स्थान के आसपास कितना है तुम्हारा देखा है ना, वहाँ फूल लेकर बैठा हुआ आदमी सब, हाँ है कि नहीं है, सुबह सुबह पाँच बाबू तुम लोग 5 बजे उठता भी नहीं, 4 बजे लोग खोल देता है वहाँ बैठ के, समझे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक बिजनेस है। जाओ बाबा धाम देखो, बाबा धाम में हर पंडाल तुम्हारा जान ही रहा है फुल, दाम एक का 10 बेचो आदमी प्यार से खरीदेगा, क्यों धर्म करने के लिए जा रहा है, क्यों नहीं देगा, वो भी खा रहा है, धर्म ही कर रहा है, क्योंकि कितना गरीब आदमी लोग का पेट पलाएगा उससे। धर्म देखो इंडिया तो फेयर और फेस्टिवल पे टिका हुआ है पूरी तरीके, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, ए तुम लोग को बता रहे थे दुर्गा पूजा आ रहा है, घर में बच्चे लोग को निकलने मत देना, पता है ना क्या चल रहा है अभी बेगूसराय में, बहुत डेंजर सीन है, मत जाने देना बाबू, बहुत 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 अभी हो रहा है, बहुत किडनैपिंग हो रहा है, कल एक केस यहाँ पे भी देखे हैं, मोहल्ला का ही केस है, अब किडनैप किया कि नहीं किया आई डोंट नो, बट केस है, पुलिस वुलिस आ गया था, ठीक है, भी अवेयर, घर में कोई बच्चा उसको मारो पीटो, घर में रखो अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रीडम थोड़ा छीन लो, क्या जरूरत, इतना फ्रीडम का क्या जरूरत है, मर जाएगा तो फ्रीडम क्या काम करेगा वो, फ्रीडम तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए फ्रीडम के ऊपर, और बच्चे लोग को बिल्कुल मत निकलने दो अभी, बहुत ही, हम तो कहते हैं बड़े आदमी मत निकलो, बड़ा आदमी मतलब जो छोटा वाला बड़ा आदमी होता है जो 15-16 साल का जो बच्चा लोग होता है वो भी ना निकले, और कोई इसको भी मैंने दे दिया अलग से गाइडलाइंस दे दिया था, कल तो हम डर गए थे, ये आधा एक घंटा के लिए गायब हो गया था, हमको लगा गया है बाबू काम से, क्योंकि खाली यही न्यूज़ मिल रहा है दिमाग में, अब पूरा घर में पूरा फरमान जारी कर दिया गया है, गेट से बाहर भी नहीं दिखना चाहिए बच्चा लोग, गलती से भी नहीं दिखना चाहिए, क्या भरोसा, कोई चॉकलेट देने के बहाना ले गया किसी को और कुछ भी कर दे, और अभी हो रहा है ऐसा चीज़ हो रहा है, अब बेगूसराय में लोग आए हैं करने के लिए, कल ही रिपोर्ट मिला है, बच गया हो, बच गया इसका मतलब जाने वाला था वो, तो फिर अब बच जाएगा तभी तुमको समझ में आया कि बच गया है वो जा भी तो सकता था, और यहाँ पे जानते हो कि एक बहुत बहुत गंदा ट्रेडिशन है दिमाग में कि पूल में जब तक बलि नहीं दिया आता तब तक ठीक नहीं होगा, ये क्या तर्क है भाई, इसीलिए और कह रहा कि महिला भी उतर गई है, महिला सभी बच्चे चोरी करना शुरू कर दी है, तो वेरी बैड, देखो यहाँ पे तो टेंपल से देखो समझो, टेंपल टाउन्स वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी से तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बनता है, और इस प्रोसेस में सिटीज डेवलप्ड हो जाएगा। टेंपल्स वेर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, देखो टेंपल्स बहुत केंद्रीय है, एक इकोनॉमिक व्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं उससे, बात समझो, कोई ऐसा तो पास्ट का बता रहे बट कितना रिलेटेड है प्रेजेंट से, क्या केवल पास्ट ही था क्या, हर चीज़ अभी भी रिलेटेड है, देखो जाकर बैद्यनाथ का टेंपल, लोग एकदम सिंदूर उंदूर बेच रहा है वहाँ पे, लठी उठी बेच रहा है, पेड़ा उड़ा बेच रहा है, कहाँ से आया है, तो बाबा धाम से पेड़ा आया है, तो ये चीज़ तो अभी भी हमारे साथ जी रहा है ना, अब सावन और भादो छोड़ दो तो मुरझा जाएगा बाबा धाम, कोई नहीं है, बाकी दिन जाओ तुम वहाँ पे, भोला बाबा को चढ़ा भी लोगे, देख भी लोगे, सेल्फी भी खींच लोगे, अब सावन में जाओ सेल्फी छोड़ो बाबू, बच गया जान बच गया लाखों पाए, वो वाला स्थिति होता है कि नहीं है, और सुने इस बार सावन से भी ज़्यादा भीड़ भादों में हुआ है, हाँ तुम साक्षी हो उसके, देखो
हम सावन में गए थे, वो भादों में गया था, देखो दोनों का मंजिल एक ही था। रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स टू डेमोस्ट्रेट द डिवोशन टू वेरियस डिटीज, सही बात है ना, रूलर्स ने बनाया इसलिए दिखाने के लिए हम शिवा को पूछते हैं। अब जो हम शिवा को पूछते हैं, शिवा को पूजने वाले लोग होंगे सब, तो हमारा ही बन जाएगा पार्टी का आदमी। दे ऑल्सो इंडोर टेम्पल्स विद ग्रांट्स ऑफ, देखो टेम्पल बनाने के लिए लैंड दे रहे हैं, है ना, रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, पिलग्रिमिस को खाना दिया जा रहा है, प्रिस्ट को देखो, प्रिस्ट को भी व्यवस्था दिया जा रहा है, फेस्टिवल गजब मनाया जा रहा है, पिलग्रिम्स वे फॉक टू टेम्पल ऑल्सो मेड, जो भी पिलग्रिम्स भी आ रहे हैं वो भी डोनेशन दे रहे हैं। तो ये तो रिच टाउन बनेगा ही बनेगा, आराम से बनेगा। यू सी काली स्थान जो है उसके अगल बगल का डेवलपमेंट देखो ना बच्चा लोग, कभी दिमाग लगाऊँ आपको क्या डेवलपमेंट है काली स्थान का अगल बगल एरिया को थोड़ा सा ऐसे जूम करके देखो तो यू फाइंड एवरीथिंग। बगल में रेस्टोरेंट, यहाँ फूल का, खाली फूल का, इधर ज्वेलर्स का दुकान है, आगे जाओगे तो भव्य तुम्हारा शॉपिंग मॉल है। कैसे होगा, क्योंकि लोग जाएंगे मंदिर और लोग बहुत अच्छे श्रद्धा से जाते हैं वहाँ, नहीं दिखता है, बहुत अच्छे से दिखता है। और बगल में ही शिव जी का ही मंदिर है, शिव जी का मंदिर तो मज़ा आता है। उधर हम नहीं बोलेंगे, थोड़ा कंट्रोवर्सी है क्योंकि वहाँ पे बलि दिया जाता है, जिस मंदिर में बलि देता है ना तो थोड़ा कंट्रोवर्शियली लगता है हमको। देखो ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, देखो इस तरह बनाया गया है इसको, ये भी चलता था उस समय। लॉस्ट वैक्स टेक्निक का मतलब है खोया हुआ टेक्निक, नहीं वो नहीं, लॉस्ट वैक्स टेक्निक मतलब ये तरीका अभी भी है। जैसे होता है ना कि ब्रॉन्ज को पिघला के डाल दिया गया और एक शेप बन गया, उसको हटा दिया जाए तो हूबहू बन जाएगा वैसा। घर में आता है ना, पहले आता था कि मूर्ति बनाना है आपको, कैसा मूर्ति बनाना है, मूर्ति दीजिए, सेम मूर्ति तुम्हारा ब्रॉन्ज का बना देता था वो। अभी होता है, अभी आता है क्या, अभी होता है ना, अभी कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा होता था ये सब चीज़। देखो ब्रॉन्ज जानते हो कि एलॉय है कॉपर और टीन का, और बेल मेटल्स कंटेन अ ग्रेट प्रोपोर्शन ऑफ टीन, जो बेल का बनता है तुम्हारा उसमें टीन बहुत ज़्यादा रहता है, ब्रॉन्ज कम रहता है, और इसे बेल लाइक साउंड, देखते हो बेल का साउंड कितना अलग आता है ना, ये घंटी जो बजाते हो कितना डिफरेंट साउंड आता है, या फिर स्कूल सब में जो बेल बजता है डिफरेंट साउंड, कितना साउंड प्रोड्यूस करता है। तो चोला ब्रॉन्ज स्टैचू दिखाया गया है जिसके बारे में तुम लोग पढ़े हो बहुत पहले। फर्स्ट एंड इमेज वॉज मेड ऑफ वैक्स, देखो इसका तरीका बताया कि वैक्स बनाना है, उसके बाद फिर क्ले से ढक देना है, फिर उसको ड्राई होने देना है, फिर उसको हीट करना है, हीट करने के बाद टाइनी होल को बना लेना है उसके अंदर, मोल्टन वैक्स, मोल्टन वैक्स को हटा दिया जाएगा, जब हटाओगे तो वही मोल्टन मेटल क्या है फिर से उसको क्ले मोल्ड में अंदर डाल दोगे, जब वहाँ पर सोलिडिफाई हुआ है, सॉलिड स्ट्रक्चर बन गया, उसको हटाओगे तो तुम्हारा तैयार हो गया इमेज। अब ये देखो, ये तुम तभी समझोगे जब प्रोसेस देखोगे, देखो पूरा पिघला दिया था, कभी देखे हो तुम लोग, और डाल दोगे सोलिडिफाइड होगा उसको हटा दो एकदम इमेज बन जाएगा, देखे हो ना, वेरी गुड। टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल टू फाइनेंस, देखो टेम्पल अथॉरिटी के पास जो भी पैसा होता था उसे देखो ट्रेडिंग, और देखो ना ट्रेड और बैंकिंग भी चल रहा है, अब देखो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का काम कर रहा है टेम्पल। ग्रेजुअली लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट वर्कर आर्टिसन ट्रेडर्स सेटल नियर द टेम्पल टू कैटर टू इट्स नीड्स एंड दोज आर द पिलग्रिम्स, सही बात है ना। तो जब अब आपका टेम्पल ही एक तरह से बैंकिंग सिस्टम का काम कर रहा है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होंगे सोसाइटी के उसके आसपास बसने लगे, चाहे प्रिस्ट हो चाहे आर्टिसन हो, क्यों कहीं पे भी पैसा नहीं है तो जाके हम मांग लेंगे टेम्पल को, क्योंकि टेम्पल यहाँ पे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहा है। और ये नया चीज़ नहीं है, बुद्धिस्ट वाला भी मोनेस्ट्री काम किया है पहले, यही कारण है कि बुद्धिस्ट का जो कल्चर वो ख़त्म हो गया और बाद में बर्बाद हो गया वो, जब से महायाना बुद्धिज्म हुआ था। बात समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि टेम्पल और ग्रीव होने लगा, सॉरी टाउन्स और ग्रीव होने लगा, बढ़ने लगा। टाउन जो इमर्ज हो रहे थे उस समय, जैसे एग्जांपल दिया गया है बिलसा या विद्यासा मध्य प्रदेश का, यानी बिला स्वामी और सोमनाथ का है, वो एक एग्जांपल है जहाँ पे टेम्पल एक्ट एज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। और इस कारण क्या हुआ कि और टाउन परस्परस करने लगे, लोग सब और जुड़ने लगे, लोग सब आसपास और सेटल्ड होने लगे। और भी इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है, जैसे कंचीपुरम का हो गया या मदुराई का हो गया तमिलनाडु का, या तिरुपति हो गया आंध्र प्रदेश का, वो क्लासिकल एग्जांपल है कि टेम्पल के वजह से टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ है, लोग सब आए हैं जुड़े हैं। तो पिलग्रिमेज सेंटर आर ऑल्सो डेवलप, देखो पिलग्रिमेज सेंटर भी जहाँ पे देखो, जैसे बाबाधाम बेस्ट एग्जाम्पल है पिलग्रिमेज सेंटर का, है कि नहीं है, जहाँ पे श्रद्धालु जो जाते हैं, है ना, तो उनके वजह से भी डेवलप्ड हुआ। जैसे टाउन से जो वृंदावन, देखो वृंदावन, अभी वृंदावन से मुझे याद आया, ये छोटा छोटा क्लिप शिल्पा शेट्टी का जो चलता है उसमें, है ना, वृंदावन जाऊंगी समथिंग गाना, देखते हो वृंदावन गई थी ना शिल्पा शेट्टी उसका बहुत अभी उसका वायरल वीडियो चल रहा है, एम आई करेक्ट,
यूट्यूब देखता हूँ तो आ जाता है वहाँ पे। तो देखो ये वृंदावन पिलग्रिमेज के वजह से बना है। देखो उसके बाद देखो तिरुमलाई तुम्हारा तमिलनाडु का, वो बेसिक क्लासिकल एग्जांपल है कि जहाँ पे पिलग्रिमेज सेंटर से भी टाउन बन सकता है। अजमेर देखो बेस्ट एग्जांपल है, चौहान किंग्स का वो कैपिटल रहा है 12th century में। बाद में देखो बाद में सूबा बना है, सूबा हेडक्वार्टर बना है, मुगल ने कंट्रोल किया था। मुगल जानते हो अकबर ने बहुत अच्छा पॉलिसी चलाया था, राजपूत उसके अंदर आ गया था। तो उस समय भी ये अजमेर वाला जगह बहुत इंपॉर्टेंट टाउन्स था एंड इसका जो डेवलपमेंट हुआ इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज की वजह से हुआ है। जो पिलग्रिमेज जो श्रद्धालु लोग गए हैं और बड़ा बन गया वो, क्योंकि वहाँ पे धर्म स्थल है वो। जैसे माउंट आबू देखो जैना के लिए कितना बड़ा चीज़ है, हमारे लिए काशी देखो, मथुरा देखो, अयोध्या देखो ना, अयोध्या अपने आप में बड़ा टाउन है। लोग जाएंगे वहाँ पे अपने आप बन जाएगा व्यवस्था। बैद्यनाथ देखो ना बेस्ट एग्जांपल, जितने भी ज्योतिर्लिंग है जाओ वहाँ पे, टाउन्स बन जाएंगे अपने आप। तो इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट एग्जांपल जहाँ पे रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, सब रिलीजन अच्छे से रह सकते हैं। ख्वाजा मुर्दीन चिश्ती देखो, जो कि सेलिब्रेटेड सूफी सेंट रहे हैं, जो सेटल हुए थे 12th century में। तो इन्होंने क्या किया, ये देखो इनका सूफी, देखो सूफी तो अब हिंदू भी जाके दरगाह चढ़ाता है कि नहीं जाता, चादर चढ़ाता है दरगाह में जाके, दरगाह का पानी वगैरह भी पीता है, वो सब जो झाड़ने के लिए होता है फूक फाक। मुस्लिम एक्सेप्ट नहीं करेगा दरगाह का सिस्टम, बट हिंदू एक्सेप्ट कर लेता है। यू नो दिस थिंग, सुनी मुसलमान कभी भी दरगाह को पसंद नहीं करता, दरगाह जहाँ पे चादर चढ़ाया जाता है। सुनी विरोधी है उसका, हाँ सिया तो थोड़ा सा टॉलरेंट है, सुनी टॉलरेंट नहीं है, ठीक है। सुनी को लगता है कि हमारे फेथ को ख़राब किया है सूफी ने, इसीलिए वहाबिज़्म मूवमेंट चला था सऊदी अरब से। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो ये चादर वगैरह तो ये बेस्ट एग्जांपल है जहाँ पे चिश्ती भी इतने बड़े अच्छे सूफी सेंट भी, सूफी सेंट समझ रहे हो ना, यानी कि सेंट है जैसे कबीर जी थे, उन लोगों का भी अपना था और ये अच्छा मैसेज पहुँचाते थे। अब ये बोलते थे कि उलेमा से कुछ नहीं होता, फालतू का चीज़ है ये सब, यानी कि हिंदू के हिसाब से प्रिस्ट वरिस्ट कुछ नहीं होता है। यदि अल्लाह का आशीर्वाद पाना है तो अल्लाह को याद करो, अपने आप हो जाएगा। इसमें उलेमा को पैसा देने की क्या जरूरत है तुमको? और सही बात है कि नहीं है, भक्ति मूवमेंट भी इसी कॉन्टेक्स्ट में था कि भगवान और तुम्हारे बीच में ऑटोमेटिकली रिलेशन है, बस याद कर लो, हो गया, बात खत्म हो गया, जाओ सड़क पे दौड़ते हो, हरे रामा हरे कृष्ण करो, हो गया भक्ति। और उसमें प्रीस्ट को बुला के योजना वोजना करने की क्या जरूरत है तुमको? दैट्स कॉल्ड भक्ति मूवमेंट। और इसी को कबीर जी या शंकराचार्य, बहुत सारे लोग थे इसमें, माधवाचार्य हो गए, शंकराचार्य हो गए, या फिर नीचे का देख लो, महाराष्ट्र का देख लो, बहुत सारे लोग, एकनाथ लोग सब हो गए, बहुत सारे लोग थे। इसका अलग ही चैप्टर आता है। देखो अजमेर में देखो नियर अजमेर लेक था, पुष्कर लेक जानते हो, उसने भी बहुत अट्रैक्ट किया है पिलग्रिम्स को, लोग वहाँ पे जाते थे, अपना रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे। तो ये नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स का देखो नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा, तो ये भी बड़ा टाउन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रॉम द 8th century अनवर्ड सब कंटिन्यू वॉज डॉटेड विद द सेवल्स। देखो अब 8th century के बाद तुमको दिखेगा कि छोटे छोटे टाउन्स सब इमर्ज होना शुरू हो गए। दिस प्रॉब्ली इमर्ज फ्रॉम अ लार्ज विलेज, इत कब होगा? जब विलेज प्रॉस्पर कर देगा तभी टाउन बनेगा। अब देखो एक ज़माना में बेगूसराय भी तुम्हारा विलेज ही था, अब टाउन्स बन गया ना, विलेज प्रॉस्पर कर गया, विलेज में आप डिमांड सप्लाई वाला काम हो गया तो ऑटोमेटिकली सिटी का वो रूप ले लेगा। वो पहले विलेज से कुछ जाता है, समझे, पहले विलेज से कोई निकलता है और फिर वो तुम्हारा विलेज सेमी टाउन बनेगा, सेमी टाउन से फुल फ्लेश टाउन बनेगा, फिर सिटी बनेगा, फिर मेट्रोपोलिटन सिटी बनेगा। अभी भारत में मेट्रोपोलिटन सिटी है कि नहीं है? एक टाइम में वो भी विलेज ही था, आस्ते करते 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 इतना बड़ा बना है। वही बता रहा कि लार्ज विलेज से आस्ते आस्ते इमर्ज हुआ है ये सभी टाउन्स की तरफ। दे यूजुअली हैड अ मंडापिका, यानी कि पहले क्या था, वो मंडी था तुम्हारा, टू नियर बाई विलेजेस ब्रॉड देयर प्रोड्यूस टू सेल, यानी कि वो एक तरह से मंडी था जहाँ पे नियर बाई विलेज आते थे, सामान वामान बेचते थे, और आस्ते 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 टाउन्स बन गया। दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट, देखो वहाँ पे मार्केट स्ट्रीट्स होता था, हल्का जो हाट लगता था कि नहीं लगता था, अभी भी लगता है देखो, ठीक है, शॉप से लिंक होता था। बिसाइड देयर स्ट्रीट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिसंस, पॉटर्स है वहाँ पे बिकेगा, ऑयल प्रेसर्स बिकेगा, शुगर मेकर्स होगा वहाँ पे, टॉडी मेकर्स होगा, स्मिथ्स हो गए, तो अलग अलग आर्टिसंस तो आ रहे हैं, अलग अलग आर्टिसंस होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप पकड़ लेगा। वेल सम ट्रेडर्स लिव इन द टाउन, कई टाउन में रहते थे, कई लोग ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, अभी भी करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी भी आर्टिसंस लोग करते हैं दूसरी जगह से। मैनी केम फ्रॉम, बहुत सारे तो बहुत दूर से भी आते थे और बस जाते थे वहाँ पे नियर टू दिस टाउन्स लोकल आर्टिकल्स खरीदने के लिए, सेल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टेंस, या फिर दूर से आए हॉर्स से, सब दूर से सामान लेके आते थे तो वो वहाँ पे बेचते भी थे। पहले क्या होता था, अरब ट्रेडर्स आते थे तो हॉर्सेस लेके आते थे, गांव से गुजरेंगे, गांव का आदमी होगा तो खाया जाएगा। जैसे गांव में अभी भी होता है, गांव में देखते हो ऐसे बजाते हुए आता है कि नहीं आता है?
सर में लेके आता है, अच्छा अच्छा सामान लेके आता है। महिला लोग आती है, बाहर निकलती है, बोलती है कि ये देना ये वो, कपड़ा भी आता है अभी भी स्टिल, अभी ना तुमको मार्केट मिलता है। बट व्हाट अबाउट द विलेज, विलेज में अभी भी व्यवस्था यही है। तो वो कुछ या तो विलेज आ सकता है कुछ खरीदने के लिए या फिर कुछ नया चीज़ लेके। तो वही बोला कि देखिए दूर से आता था तुम्हारा हॉर्सेस, सॉल्ट कैम्फर्स, है ना, बीटल नट, बीटल नट समझते हो क्या होता है, पान का पत्ता, ठीक है, और स्पाइस पीपर सब लेके। यूजुअली यह समानता और लेटर टाइम जमींदार, जो बाद का जो जमींदार है, पहले ये समानता सबऑर्डिनेट था ना किंग का, जो अपना आर्मी मेंटेन करता था, याद करो बताया हूँ क्लास में, ये अपना ही फोर्टिफाइड पैलेस सब अपना क्रिएट करना शुरू कर। फोर्टिफाइड मतलब अपना ही टाउन्स रहेगा जिसमें इसका बोलबाला रहेगा, पूरा फोर्टिफाइड रहेगा, फोर्टिफाइड मतलब किला, किलाबंदी। दे लेविट, देखो टैक्सेस लगाएगा ट्रेडर्स के ऊपर, आर्टिसंस के ऊपर, या ट्रेड और ट्रेड्स जो भी सामान ट्रेड होगा उसके ऊपर तुम्हारा लगाएगा टैक्स, और टैक्स से कमाएगा ये लोग। समटाइम्स डोनेट भी करेगा, राइट टू कलेक्ट दिस टैक्सेस, लोकल टेम्पल को दे देगा कि ये टेम्पल का जो अथॉरिटी है वो टैक्स लगा सकता है अगल बगल, ताकि वो टैक्स लगा के वो अपना टेम्पल चला सके। जैसे देखो नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी को दो तीन विलेज दे दिया गया था ना, कि दो तीन विलेज में जो भी टैक्स लगाया जाएगा वो उससे नालंदा यूनिवर्सिटी चलेगा। इस तरह का विच हैड बीन बिल्ड बाई देमसेल्व, वो रिच मैन, रिच मर्चेंट्स लोग करते थे। दिस राइट्स वे रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शन, और सभी चीज़ के बारे में ना इंस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से बताया गया, जो कि अभी भी है, अवेलेबल है। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, देखो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, बहुत टाइप के ट्रेडर्स रहते थे। बंजारास, याद करो बंजारास, बंजारा बताए थे ना, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बोल दिया था कि आपको ही हम दे रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं, वही जाके खरीदेगा तुम्हारा विलेजर्स, करेक्ट, विलेजर्स वही सामान देगा क्योंकि इसके पास सर्टिफिकेट रहेगा, डेट्स कॉल बंजारास। बंजारास एक तरह से ट्रेडर्स, तो हम जानते हैं कि काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, जैसे बंजारास हो गया, सेवल ट्रेडर्स है, हॉर्स ट्रेडर्स हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है, गिल्ड सिस्टम, एसोसिएशन वही गिल्ड बोलते हैं उसको, जहाँ पे हेडमैन तुम्हारा नेगोशिएट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ विथ वॉरियर्स हु फॉट, हु बॉट हॉर्सेस, यानी कि जो हॉर्सेस खरीदना चाहता है तो उसका एक हेडमैन भी होगा, बोलेगा, बार्गेनिंग करेगा दोनों के बीच में, हाँ तो बेचेगा, यानी कि एक व्यवस्था कायम हो रहा है ट्रेड के लिए अच्छे से। सिंस ट्रेडर हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट, है ना, अब ट्रेडर्स को कितना लंबा यात्रा करना पड़ेगा, तो अलग अलग किंगडम उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, अलग अलग फॉरेस्ट ट्रैवल करना पड़ेगा। दे यूजुअली ट्रैवल इन कारावान्स, कारावान मतलब क्या है, चढ़ गए और पूरा ग्रुप में चल रहे हो, है ना, पहले चलते थे ना ऊँट में ही बैठ के चल रहे हो तुम सब एक झुंड में, ठीक है, और गिल्ड बनता था, गिल्ड इसलिए कि एक ट्रेड यूनियन है उस समय का, और ये गिल्ड इतना पावरफुल होता था कि ये जुडिशरी का भी काम करता था। एक मान लो कि एक ट्रेडर्स ने चीटिंग किया किसी के साथ और वो पता चल गया, तो उसको कार्रवाई उसके ऊपर गिल्ड सिस्टम ही ले लेगा, गिल्ड वाला व्यवस्था ही, ये ट्रेड यूनियन है, समझ गए ना, अभी का ट्रेड यूनियन बराबर है। तो देर वेर सेवरल सच गिल्ड्स, देखो इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में बहुत प्रेजेंट था फोर्थ सेंचुरी, तुम्हारा कितना कब का, 8th सेंचुरी के बाद। द मोस्ट फेमस बींग द, बहुत फेमस जो गिल्ड सिस्टम था वो क्या है तुम्हारा, मणिग्रामम एंड नानादेशी। अब ये क्या है, गिल्ड सिस्टम मतलब है कि एक तरह से तुम्हारा ट्रेड यूनियन है, और इतना वेल फ्लरिश ट्रेड यूनियन है। शिवानी ट्रेड यूनियन क्या काम आएगा, गिल्ड सिस्टम का क्या काम है, हाँ कंट्रोल करने के लिए, डिसिप्लिन को भी कंट्रोल करने के लिए, सामान कहाँ कहाँ बिकेगा। अभी भी ट्रेड यूनियन होता है कि नहीं होता है, बेगूसराय में मान लो कोई तरह का बात हुआ तो ट्रेड यूनियन हड़ताल पर चला जाएगा, मर्डर होता है बीच बीच में कभी, तो ट्रेड यूनियन बोलता है ना कि आज दुकान नहीं खुलेगा, इतना पावर होता है उनका। दिस गिल्ड ट्रेडेड एक्सटेंसिवली बोथ विद इन द पेनिनसुला, पेनिनसुला का अंदर भी ट्रेड करता था, और इतना ही नहीं साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से भी ट्रेड होता था उस समय, इतना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है ये। और उसी का एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है कि मणिग्रामम है और नानादेशी है। देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज लाइक द चेतियार्स एंड मारवाड़ी ओसवाल हु वेंट टू ऑन टू बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। देखो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ है, जैसे चेतियार्स और मारवाड़ी ओसवाल, ये बाद में बहुत बड़ा ट्रेडिंग ग्रुप्स बना है, समझे, बहुत बड़ा, जो कि कंट्री को भी रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फिक्की अभिभाष है ना, फिक्की पूरा ट्रेड यूनियन को रिप्रेजेंट करता है ना फिक्की, और डिसाइड करता है कि क्या होना चाहिए उसका, इसी तरह कह सकते हो। गुजराती ट्रेडर्स देखो, जिसमें हिंदू बनियास भी है, मुस्लिम बोराज भी है ना, ट्रेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ, देखो रेड सी से वर्ल्ड का तुमको रेड सी दिखता है, बच्चा लोग थोड़ा सा मैप वो आता है बुझ रहे, रेड सी देखो वहाँ पे पर्शियन गल्फ के नीचे रेड सी है, यहाँ पे दिख रहा है इजिप्ट के नीचे रेड सी है, दिखा दो बच्चा लोग, मूर्ख बच्चा लोग बैठा हुआ है क्लास में, देखो हाँ रेड सी, वो मेडिटेरियन सी इधर देखो, रेड सी रेड सी रेड सी, हाँ रेड सी दिख गया वहाँ पे, मतलब इतना कंट्रोल था कि रेड सी बाहर भी पूरा ट्रेड होता था। अरे मैप पे फुल कंट्रोल, हिस्ट्री बिना बिना ज्योग्राफी का हिस्ट्री कभी समझ में नहीं आएगा, समझे, और हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ज्योग्राफी हो जाएगा, मैं ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री नहीं होगा फिर,
हिस्ट्री में सब आ जाता है उसके अंदर, और ज्योग्राफी आ गया तो साइंस अपने आप आ गया, ज्योग्राफी इज इक्वल टू साइंस। कई कई दशक तक तो ज्योग्राफी को अलग सब्जेक्ट नहीं बनाया गया, ये सोच के ये तो साइंस ही है, कहा है उसको अलग सब्जेक्ट दे, समझे। तो देख लो यहाँ पे तो हिंदू बनियास है, मुस्लिम बोराज है, ये ट्रेड करते थे रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना के साथ, नहीं कितना दबदबा था। दे सोल्ड टेक्सटाइल, टेक्सटाइल बेच रहे, कपड़ा वपड़ा बेच रहे, स्पाइसेस बेच रहे हैं पोर्ट्स में, और एक्सचेंज में गोल्ड और आइवरी ला रहे हैं अफ्रीका से। अफ्रीका जानते हो, अफ्रीकन एलिफेंट्स के लिए जाना जाता है, समझ गए। स्पाइसेस टीन, चाइनीज ब्लू बो पॉटरी लाया जा रहा है वहाँ से, ऊपर से सिल्वर लाया जा रहा है साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से। तो देखते हो किस लेवल पर ट्रेड हो रहा है, अभी भी इसी तरह होता, अभी तो और ऊपर चला गया है ना, अभी तो सबसे पीक पे जी रहा है। इससे कोई बोलेगा ये बात कि इससे भी बड़ा ट्रेड था पहले, तो ऐसा तो नहीं है, ये सबसे आप पीक पे जी रहे हैं हम लोग। अभी 21वीं सदी जो है ना, इतना खतरनाक डेवलपमेंट अभी तक पूरा ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं देखा गया था। हरप्पन सिविलाइजेशन भी जो भी था तो एक लिमिटेड वे में था ना, उससे बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर, बीजिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का भी देखो। अभी 21st सेंचुरी इज द बेस्ट सेंचुरी इन टर्म्स ऑफ योर डेवलपमेंट, ट्रेड, कमर्स, सब पूरा दुनिया खुल गया। देखो तुमको चाहिए मंगवा लो, तुम्हारा तो ई कॉमर्स साइट में विदेश से आ जाता है सामान, हाँ इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लगेगा ही, क्या लाए थे, एप्पल वाला बाहर से ही आएगा है ना। देखो टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट, वेस्ट का मतलब ईस्ट और वेस्ट, ये वाला इधर वाला इधर वाला गुजरात का वाला ये एरिया है गोवा, ये सब ठीक है। वहाँ पे क्या अरब रहेंगे, अरब लोग रहेंगे, क्योंकि बाहर से आएंगे तो अरब रहेंगे, पर्शियंस रहेंगे, पर्शियन मतलब ईरान के लोग रहेंगे, चाइनीज, ज्यूइश, सब लोग यहाँ पे आके बस गए थे। इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ सोल्ड इन द रेड सी, वहाँ पे जाता था देखो, इटालियन ट्रेडर्स खरीदते थे इसको, और फिर जाके ये यूरोपियन मार्केट में बेचता था, और वहाँ पे खूब प्रॉफिट कमाता था। स्पाइसेस ग्रोथ इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, देखो वो पीपर ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब ये जो इंडोनेशिया वाला है, भारत वाला है ना, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल जानता है कुछ तो बुद्धि होगा ना, जीरो इक्वेटर से ऊपर तक तुम्हारा जो है 10 तक, हाँ 27 तक बिल्कुल, और 10 तक इक्वेटोरियल रीजन है ठीक है, और ऊपर तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक कैप्रिकन तक ट्रॉपिकल रीजन है। देखो वही बोल रहा है कि जितने भी है ये यहाँ से इम्पोर्टेंट जगह हो जाएगा तुम्हारा, ये सब पीपर ऊपर के लिए, जिंजर वगैरह मसाला के लिए, यूरोपियन कुकिंग और कॉटन क्लोथ वॉज वेरी अट्रैक्टिव, दिस इवेंचुअली ड्रॉ यूरोपियन ट्रेडर्स। यही कारण है कि इंडिया में मुँह उठा के आ गए हैं लोग, कि बहुत कुछ रिसोर्सेस है यहाँ पे। तो वी विल इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में कि कैसे ये लोग जब आए तो कैसे चेंज हुआ व्यवस्था। सही बात है, पूरा व्यवस्था चेंज कर दिया है ना। आज इंग्लिश पढ़ रहे हो तो यही व्यवस्था का ही रीजन है ना, अंग्रेज आता ना तो इंग्लिश पढ़ता इस लेवल पे है ना। चाइना में इतना अंग्रेजी क्यों नहीं है, जापान में इतना अंग्रेजी क्यों नहीं है, यही रीजन है। और हमारा जो इतना बड़ा सभ्यता है था हिंदी का, सब सभ्यता ख़त्म ही हो गया एक तरफ से। अब हिंदी पढ़ने वाले लोग को इन्फीरियर समझा जाता है ना, कोई हिंदी में बहुत अच्छा ही बोलता है बोलते हो बेकार है, आज जो इंग्लिश में जो टूटा फूटा भी बोलोगे तो बोलेगा क्या बात है क्या बात है क्या बात है, यानी कि हम तो खुद ही रेस्पेक्ट नहीं करते अपने लैंग्वेज का, ये स्थिति हो गया है। और थोड़ा झुटमुट का तिकरमबाजी कर देगा अंग्रेजी में तो बाबा क्या बात है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, देखो ऐसा बनना चाहिए, ये भी तो हिपोक्रेसी हो गया कंट्री का। तो हमें भी इस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, समझ गए ना। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ यूरोपियन पावर, यूरोपियन पावर की वजह से हुआ। देखो काबुल के बारे में कुछ बताया गया है, माउंटेनियस लैंडस्केप है ना, रग्ड है, यानी कि बहुत ही तुम्हारा सॉलिड वाला ही है, बड़ा मुश्किल होता है। देखो पॉलिटिकली एंड कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट था ये तुम्हारा 6th सेंचुरी के बाद, काबुल और खानदार देखो वो लिंक था तुम्हारा सिल्क रूट से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाए, सिल्क रूट वही जो चाइना से पास होता था। बिसाइड ट्रेड इन हॉर्सेस वॉज प्राइमरली कैरिड ऑन थ्रू, देखो जो ट्रेड हॉर्सेस का जो ट्रेड होता था वो इसी रूट से होता था ये। इन द 7th सेंचुरी जीन बैप्टिस्टा एक डायमंड मर्चेंट थे, ये कहते हैं कि हॉर्स ट्रेड एट काबुल लगभग 30,000 रुपयास का, इतना तुम्हारा इसका कमाई मतलब ट्रेड होता था, जो कि उस समय में 30,000 मतलब बहुत होता है। तुम्हारे पिताजी लोग खुद बोलते होंगे कि 70 के दशक में, 80 के दशक में हमको 1 रुपया या 1.5 रुपया मिलता था घर चलाने के लिए, अब ये उस समय का 30,000 है, बहुत ज़्यादा होता है। कैमल्स कैरी ड्राई, देखो कैमल्स क्या कहला, ड्राई फ्रूट्स लाता था, यही ड्राई फ्रूट समझ रहे हो ना, ये काजू वाला चीज़ से है ना, डेट्स, कारपेट्स, सिल्क ठीक है, काबुल से लाते थे सब कंटिनेंट में, और यहाँ पे बेचा जाता था, और स्लेब्स को भी लाते थे लोग, स्लेब्स मतलब आदमी लोग को, और यहाँ पे जो खरीदना है खरीद लेगा, जैसे कि पहले जानते हो कि सोनपुर के मेला में यहाँ लगता था ना स्लेब भी पहले बेचा जाता था, अभी तो स्लेब ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि अभी तो स्लेबरी ख़त्म हो गया ना, अभी भी स्लेब बिके तब
अब वो अलग चीज़ है, चोरी छुप के आया वो नहीं है, बट पहले का स्लेब्स अलग होता था। पहले का स्लेब्स का मतलब क्या, क्या खरीद लिया उसको और जितना काम करवाना है काम करवाओ उससे। सो अनह्यूमन ना, उसको भी तो राइट्स है बताओ, उसको तुमने आदमी की तरह ट्रीट ही नहीं किया, और उसी के लिए लड़े हैं देखो अब्राहम लिंकन अपने कंट्री में। क्राफ्ट्स इन टाउन्स, देखो तो टाउन्स में और भी क्राफ्ट्स कैसे कैसे होते थे। क्राफ्ट्स पर्सन ऑफ बिदार, बिदार दिखाए थे ऊपर में, कर्नाटका से ऊपर वाला एरिया था जो बिदार वाला। द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदार वेर सो फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर डैट इट केम टू बी अ बिदरी। देखो बिदरी वर्क में बिदार के जो लोग हैं क्राफ्ट बहुत जाने जाते थे। ये कैसे सिल्वर का ना वो इनले करना, यानी कि डालना है अंदर। कई क्राफ्ट्स होते हैं ना जिसमें गोल्ड को भी चढ़ाया जाता है, सिल्वर को भी रखा जाता है। तो इस क्राफ्ट्स में देखो ये दिखाया तो है तुम लोग, क्राफ्ट देख रहे हो यहाँ पे कितना बढ़िया सजा बनाया गया, वही क्राफ्ट्स के बारे में बता रहा है। इस यही बिदरी वर्क है। तो पंचालाज और विश्वकर्मा कम्युनिटी, जिसमें तुम्हारा गोल्ड स्मिथ भी होता था, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसून कारपेंटर्स, वो इस तरह इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे टेम्पल्स के लिए बनाते थे। दे ऑल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस, में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस तरह का विश्वकर्मा और पंचाल कम्युनिटी, बिग बिल्डिंग्स में, टैंक्स में, रिजर्वर्स में। सिमिलरली वेवर्स सच एज सलियार और कैकोलर्स इमर्ज एज अ प्रॉस्परस कम्युनिटीज मेकिंग डोनेशन टू द टेम्पल। बताओ बहुत प्रॉस्परस हो गया था ये कम्युनिटी, सलियार कम्युनिटी, और बहुत डोनेट करता था टेम्पल्स को। सम एस्पेक्ट ऑफ क्लोथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग, डाइंग बिकेम स्पेशलाइज इन इंडिपेंडेंट क्राफ्ट। बताओ डाइंग करना भी, आयरन करना भी, डाइंग करना, ये सब भी एक स्पेशल उस समय बन गया था तुम्हारा, ठीक है, क्राफ्ट्स बन गया था। तो ये सिटी का डेवलप देखते हो, अभी भी होता है ना कि कपड़ा आयरन करना है तो जाके ड्राई क्लीन में दे दो। पहले कैसे होता था बताओ तो, आयरन लोटा में डाल दो कोयला गरम, उससे भी हो सकता है पहले ऐसा। अभी देखो कितना बढ़िया आयरन व्यवस्था है, हाँ पानी भी डाल सकते हो बिल्कुल, ताकि वो गीला गीला हो जाए तब अच्छे से करता। सो स्ट्रेंज ना, देखो 7th century का देखो ये बनाया हुआ चीज़ है, देखो कितना बढ़िया से इनले, देखो विथ ब्लैक ओवरले है, ब्लैक ऊपर से लगाया गया है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है, देख रहे हो। अब चेंजिंग फॉर्चून्स ऑफ टाउन्स, टाउन्स कैसे चेंज हुआ है देखो। सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद वेंट ऑन टू बिकम मेजर कॉमर्शियल सिटीज, सही बात है ना, जैसे अहमदाबाद बहुत बड़ा सिटीज़ बन गया बाद में जाके। बट और भी है तुम्हारा, तंजावुर क्या हुआ तुम्हारा, समय के साथ वो घट गया उसका साइज, और इम्पोर्टेंस तो रहा है। मुर्शिदाबाद देखो जो कि भागीरथी रिवर के ऊपर बसा हुआ है, वो भी एक प्रोमिनेंस सेंटर बना है सिल्क के लिए, और कैपिटल बना है बंगाल का 1704 में। बट वो आते आते तुम्हारा क्या हुआ, वो डिक्लाइन हो गया उसका जो प्रॉस्पेरिटी था, क्यों, क्योंकि वेबर्स जो था वहाँ के जो वेबर्स जो बनाते थे कपड़ा, उसको प्रॉब्लम हुआ क्योंकि बाहर से इंग्लैंड से जब सामान आने लगा तो उसका डिमांड ही घट गया, क्योंकि इंग्लैंड से सामान आएगा वो मशीन का आएगा, हाथ से बनाओगे तो 1000 रुपये में भेजोगे, मशीन तुम्हारा 100 रुपये में देने के लिए तैयार है तुमसे, और तो हाथ से बना हुआ से बेटर लगेगा तुम्हारा मशीन का, देखते हो ना। अभी शॉपिंग मॉल में तो हाथ से बना हुआ तो नहीं मिलता होगा, या होता भी होगा तो उसका कोई डिमांड ही नहीं है, क्योंकि मशीन जानते हो ना, मशीन यूनिफॉर्मली बनाता है चीज़ों को, मिस्टेक कम होता है मिस्टेक। बट ये कि उस समय भारत में जब वीवर्स बहुत स्ट्रांग थे तो हमारा सामान सब बहुत बिकता था बाहर यूरोप में, लोग खरीदता था कि कहाँ से, इंडिया से खरीद के रखता था, रॉयल होने का वो एक प्रमाण था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हाथ से बना हुआ, और वो लोग खुश होता था कि क्या बात है, और लोग बताता था अपने रिलेटिव को, देखो हम इंडिया से पहन रहे हैं, इतना इंडिया का दबदबा था। और वही कंट्री जब फिर से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ चलाया तो पूरा इस कंट्री का ही व्यवस्था खत्म कर दिया पूरी तरीके से। तो थोड़ा हम्पी के बारे में, मसूलीपट्टनम और सूरत के बारे में भी देख लो कि इसका किस लेवल पर डेवलपमेंट हुआ है। हम्पी जानते हो, कृष्णा तुंगा भाद्रा बेसिन की, याद आया कृष्णा तुंगा भाद्रा, बताएं। देखो तुम लोग को स्टेट पढ़ के कितना फ़ायदा होगा ये बताओ जरा, हमको यदि थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो दिमाग लगा सकते हो यहाँ पे, है ना। कृष्णा तुंगा भाद्रा बताएं, तुंगा भाद्रा एक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर का, क्योंकि मुंबई से निकल महाराष्ट्र से निकलता है। यदि उस बेसिन पे देखेंगे ना तो बहुत ही, देखो विजयनगर एम्पायर पूरी तरीके से टिका हुआ था 1336 में, विजयनगर एम्पायर फॉर्म हुआ था ना जब MBD मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का टूटने वाला था, तो उस समय विजयनगर एम्पायर बहामनी किंगडम साउदर्न इंडिया में राइज कर रहा था, बन रहा था, हरियाणा एंड बुकर ने बनाया था विजयनगर एम्पायर। देखो मैग्निफिसेंट रियून्स एट द हम्पी रिवील्स, यानी कि जो पूरा तबाह हो चुका है समय के साथ साथ
वहाँ के जो रिन्स है यानी कि जो बचा हुआ अवशेष है वहाँ से पता चलता है कि ये बहुत ही अच्छा वेल फोर्टिफाइड सिटी रहा था एक समय में, वही विजयनगर एम्पायर का बहुत सारा हिस्सा। नो मोटर और सीमेंटिंग एजेंट वॉज यूज इन द, देखो मोटर वाला चीज़ यूज़ नहीं, सीमेंटिंग एजेंट यूज़ नहीं किया गया। सीमेंटिंग जान ही रहे हो ना कि जहाँ पे सीमेंट के साथ और भी बहुत सारा कंक्रीट वगैरह यूज़ किया जाए ताकि मजबूती मिले, जैसे अभी भी हम मोटर वगैरह यूज़ करते हैं, तो उस समय यूज़ नहीं किया गया था वॉल्स बनाने में। एंड द टेक्निक फॉलोड वॉज टू वेज देम टुगेदर बाई इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग वाला सिस्टम था ये वाला, देखो इंटरलॉकिंग देखते हो पत्थर के ऊपर पत्थर रख दिया गया ऐसे करके, तो उस लेवल पर मजबूती नहीं होगा। यदि उसमें सीमेंटिंग एजेंट होता ज़्यादा मजबूत होगा ना, पत्थर पत्थर रख दोगे और पत्थर में तुम सीमेंट वीमेंट डाल के रखोगे तो मजबूत हो जाता है ना, तो उस समय ऐसा व्यवस्था नहीं था, उस समय इंटरलॉकिंग वाला व्यवस्था था। वही देखो एक दिखाया गया तुम्हारा ब्रोकन वॉल ऑफ इनक्लो, हम्पी का जो टूटा हुआ एक वॉल है उससे दिखाया गया कि देखिए पहले का आर्किटेक्चर कैसा था। 45 टन वही पोर्टुगीज ट्रैवलर जो डोमिंगो पियोस आए थे वो बताए थे हम्पी के बारे में, कुछ बताए हैं ठीक है, तो समझ लेना कोई वही बात है, सब कोटेड अनकोटेड समझ लो। एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट वेयर देयर पास हु कैन फ्रॉम गोवा, दिस किंग हैज़ मेड विद इन इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी फोर्टिफाइड विथ वॉल्स एंड टावर्स, दिस वॉल्स आर नॉट लाइक दोस ऑफ अदर सिटी, यानी कि दूसरे सिटी की तरह नहीं है, बट आर मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेसनरी, यानी कि वो सीमेंट वीमेंट से बना हुआ है जो कि बहुत कम ही जगह पाया जाता है। इनसाइड वेरी ब्यूटीफुल रोज ऑफ बिल्डिंग, अंदर बहुत अच्छा बिल्डिंग से बनाया गया है ठीक है, फ्लैट रूप से उसमें, तो वह बताया कि एक जगह देखिए कितना सीमेंटिंग एजेंट से यूज़ हुआ है, कई जगह पर यूज़ नहीं हुआ वैसा, तो वही तुम्हारे वहाँ के लोग बता रहे हैं। अदर आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्ट, जो हम्पी में जो बना था, हम्पी मतलब कर्नाटका का भी जगह है, वहाँ पे जो आर्किटेक्चर बना था वो बहुत अलग था बाकी जगह से। द बिल्डिंग्स इन द रॉयल पैलेस हैड स्प्लेंडेड आर्क्स, बहुत अच्छे से आर्क्स बना था, आर्क्स मतलब वही सर्कल का जो आर्क्स होता है इस तरह का आकार, बताए थे मस्जिद में भी आर्क रहता है इस तरह का आर्क बना रहता था, डोम्स रहता, देखो फिगर में समझ लो ना, डोम लाइक स्ट्रक्चर होता था, डोम समझ रहे हो ऐसे वाला स्ट्रक्चर, हाँ वेरी नाइस। पिलर हॉल्स ठीक है, स्कल्पचर्स हैं वहाँ पे, स्कल्पचर जहाँ पे रख सकते हो, देखो यहाँ पे स्कल्पचर है कि नहीं है, देखो इस मूर्ति में देखो तुम लोग, यहाँ पे देखो ये वाला देखो बच्चे लोग, यहाँ पे स्कल्पचर है कि नहीं, मूर्ति उर्ति किया गया ना यहाँ पे, मूर्ति उर्ति डाला गया ना, देखो ये देख रहे हो मूर्ति है, इधर देखो मूर्ति उर्ति है यहाँ पे, वही बताया गया। दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्किड्स एंड द प्लेजर गार्डन्स विद स्कल्पचर मोटिव्स सच एज द लोटस एंड कार्वल्स, बोला कि इतना ही नहीं उसके पास बहुत अच्छे अच्छे गार्डन्स भी होते थे जिसमें अलग अलग चीज़ बनाए जाते थे, कभी लोटस का बनाया जाएगा कभी कुछ का बनाया जाएगा। 15 सेंचुरी के बाद देखो हम्पी कॉमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लगा, मुस्लिम मर्चेंट्स चेटीज और एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज पोर्टुगीज भी आने लगे इस मार्केट में, तो जितने आने लगे उतना ही उसका इंपॉर्टेंस बढ़ने लगेगा। और आर्किटेक्चर देखो देख ही सकते हो, टेम्पल्स इसलिए कहा जाए कि टेम्पल जो है ना हब है कल्चरल एक्टिविटीज़ का, और देवादशी जानते हो तुम लोग बताया होगा, देवादशी भी एक तरफ से सोशल इवेंट ही है जहाँ पे बच्ची लोग महिला बच्ची लोग सब है ना, छोटी छोटी बच्ची लोग या बड़ी बड़ी लोग सब डांस करते थे टेंपल में या वहाँ पे सेवा देती थी अपना, तो इस तरह का टेंपल डांसर्स लोग था परफॉर्म बिफोर डेटी के डेटी को खुश करने के लिए, भगवान खुश करने के लिए डांस करती थी। रॉयल्टी मासेस इन द मैनी पिलर हॉल्स इन द विरूपक्षा ए फॉर्म ऑफ सिविल टेंपल, लेकिन इस तरह का आपको यदि विरूपक्षा वाला भी टेंपल नज़र आ जाएगा जहाँ पे देवादशी उस समय प्रोमिनेंट था, लोग महिला लोग डांस करती थी भगवान खुश करने के लिए। माना भी देखो फेस्टिवल वहाँ पे जो कि अभी भी नवरात्रि के रूप में साउथ में मनाया जाता है, स्टिल है तुम्हारा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हम्पी में। आर्कोलॉजिस्ट देखो, आर्कोलॉजिस्ट ने कहा है कि जो महानावी मामी प्लेटफॉर्म वेयर द किंग रिसीव गेस्ट्स, गेस्ट को रिसीव करते थे किंग लोग आते थे उस समय, और बहुत सारे सबऑर्डिनेट जो नीचे वाले लोग सब रहते थे इसके अंडर ऑफिसर, वो बहुत सारे ट्रिब्यूट लेकर आते गिफ्ट सब लेकर आते थे, यानी कि उस फेस्टिवल में राजा गेस्ट को वेलकम करेगा और गेस्ट सब इसके लिए क्या सामान वामान लेके आएगा, तोहफा वाला होगा, तो लोग सब आएगा देखने के लिए, अपने आप बड़ा हो जाएगा वो। देखो तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं ही ऑल्सो वॉज डांस भी देखता था, अभी भी होता नहीं चीफ गेस्ट आते हैं बैठते हैं और ऊपर नृत्य चलता है, डांस देखते थे, म्यूजिक परफॉर्मेंस होता था ना, और सभी चीज़ रेसलिंग बॉट्स भी, रेसलिंग फाइट कुश्ती उश्ती भी होता था, लोग देखते थे आनंद लेते थे। हम्पी फिल देखो, हम्पी बर्बाद हो गया जब विजयनगर एम्पायर 1565 में डेक्कनी सुल्तान ने उसको लूट लिया यानी कि खा गया उसको, तब विजयनगर एम्पायर साम्राज्य ख़त्म हो गया। वही डेक्कनी सुल्तान का मतलब है गोलकोंडा का, बीजापुर का, अहमदनगर का और बेराड़ का, बिदार का, यहाँ पे सुल्तान लोग छोटे छोटे किंगडम रहते थे, ये सब मुस्लिम का डोमिनेशन था, तो विजयनगर एम्पायर को ख़त्म कर दिया इसने। जबकि विजयनगर एम्पायर साउथ में कहोगे या नॉर्थ में कहोगे तो सबसे लंबा चलने वाला एम्पायर है विजयनगर एम्पायर,
बट लोग बहुत कम जानते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। इसका रीज़न है हिपोक्रेसी। जितना हम तो हर समय बोलते हैं कि जितना इन लोग को बल देना चाहिए था साउथ इंडिया वाला का, उतना हमने दिया ही नहीं। नॉर्थ में साउथ के बारे में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए क्या? हमारा मेन तो गढ़ आर्यन आर्टिस्ट पूरा साउथ इंडिया ही है। साउथ इंडिया में जितना आर्यन आर्टिस्ट है उतना तो नॉर्थ इंडिया में भी नहीं है। नीचे पूरा टेम्पल भरा हुआ है पूरी तरीके से, पूरा परस्परस से जो कहते हो ना हिंदूवादी, तो पूरा भरा हुआ है साउथ इंडिया में टेम्पल स्लॉट्स। हाँ तो सोचो बचा कर, दिमाग तेज था इसलिए बचा दिया। लड़ते थे, फाइट करते थे, क्योंकि वहाँ पे अपना अपना किंगडम था उन लोग का। हम लोग ऊपर मुगल मुगल चिल्लाते रह जाएंगे, नीचे कितना उससे पावरफुल नीचे रूल कर रहा था। चोला देखो ना, विजयनगर देखो, बहुत लंबा गया है। तो देखो, हाँ किससे? नहीं, मुगल भी पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, वो ख़राब चीज़ नहीं है। बट एट द सेम टाइम हमको नीचे वाला भी ग्लोरी करना है। सबको बराबर पढ़ते हैं ना, है ना? मुगल को भी पढ़ेंगे तो विजयनगर एम्पायर को भी पढ़ेंगे, और उतना ही चाव से पढ़ेंगे। जब देवा राया का नाम आएगा तो उतना ही ताव से समझो जितना हुमायूं को समझा है तुम लोगों ने। हरिहरा भुक्का बोलेंगे तो परेशान मत हो, समझो कि जैसे बाबर को समझते हो उसको भी इसी तरह समझो, या इससे भी ज़्यादा समझो उसको। अब कल्चर तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखो वेश की तरफ सूरत देखते हैं। अब सूरत जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? सूरत तो बताओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट था। लोथल वहीं पे देखो, सूरत इन गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो वेस्टर्न ट्रेड के लिए इम्पोरियम था। इम्पोरियम मतलब होता है कि जहाँ पर डाइवर्स प्रोडक्शन हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, बहुत तरह का सामान वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, तो वेस्टर्न ट्रेड के लिए वो मुगल पीरियड में। कैम्बे जानते हो, कैम्बे वही अभी गल्फ ऑफ खम्बत कहा जाता है, कैम्बे भी कहा जाता है, गल्फ ऑफ खम्बत वहाँ पर प्रेजेंट है ये। बाद में देखो अहमदाबाद बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बन गया उसकी वजह से। सूरत वाज द गेटवे था ट्रेड के लिए, वेस्ट एशिया से होता था, वही गल्फ ऑफ ऑर्मस यहाँ पे दिया है। देखो ऊपर देखो तो बताओ तो गल्फ ऑफ ओमान दिखाओ तो सबको, गल्फ ऑफ ओमान ईरान के नीचे, ओमान के नीचे, हाँ ओमान देखो ना, हाँ दिख रहा है ना वहाँ पे, यहाँ स्टेट होता था। देखो यहाँ पे इन द 17th सेंचुरी पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश सब फैक्ट्री बनाए यहाँ पे। सूरत सबसे पहला ही नज़र आता था। याद करो सूरत और इधर से मसूली पटना, दोनों कितना इंपॉर्टेंट एरिया था। इधर से सूरत, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकल ओविंगटन जो लिखते हैं स्पोर्ट के बारे में कि ऑन एवरेज 100 शिप्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कुड बी फाउंड एंकर्ड एट द पोर्ट एट एनी गिवन टाइम। कोई भी टाइम में मुंह उठा के चले जाओ तुमको 100 टाइप का डिफरेंट पोर्ट्स दिखेगा, वो भी अलग अलग कंट्रीज आया हुआ। ये है सूरत, उस समय लिखते हैं 1689 में। सोचो तो कितना इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन जाएगा, ट्रेडिंग पोर्ट बन जाएगा वो। इसलिए हर कोई चाहता था, जितना भी बाहर से आया था, जितने भी यूरोपियन पावर चाहता था कि हम इसको अपने अंदर काम कर ले। देखो सबने किया है, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, बैटल ऑफ स्वाइली हुआ तक नहीं हुआ था तो फिर। देर आर ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप था तुम्हारा जो कॉटन टेक्सटाइल पे, क्योंकि देखो वो सब तुम्हारा ब्लैक सोयल से रिलेटेड होगा, तो जो जहाँ जहाँ ब्लैक सोयल है वहाँ पे कॉटन तो होगा ही होगा। ब्लैक सोयल पूछता है जहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा हम कल्टिवेट कर सकते हैं। द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वेर वेरी फेमस फॉर द गोल्ड लेस बॉर्डर्स। जाड़ी के लिए बहुत जाना जाता था। जाड़ी एक तुम्हारा तरीका है कि जाड़ी मतलब डिज़ाइन है एक तरह से। साड़ी सब में देखते हो कितना बढ़िया डिज़ाइन सब होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिज़ाइन बॉर्डर एरियाज में किया आता है। एंड हैड अ मार्केट इन, इसका बहुत बड़ा मार्केट था वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में। तो यहाँ से जाड़ी वाला डिज़ाइन होकर जाता था, बाहर बिकता था गजब का। द स्टेट बिल्ड न्यूमरस रेस्ट हाउस, देखो सराय सब बनता था उस समय ताकि लोग सब आके रेस्ट कर सके, ऑल ओवर द वर्ल्ड आए यहाँ पे रहे। दे वेर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स भी बहुत सारा था। देखो यहाँ पे बहुत सारा पार्क था जहाँ पे आराम से तुम रेस्ट कर सकते हो। कथीवाड सेत, कथीवाड बताए थे ना, गुजरात को अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया था, कथीवाड रीजन भी था। कथियार देखो, कथियार सेठ या महाजन जो लिखते हो यानी कि मनी चेंजर के रूप में काम करते, वो तुम्हारा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते थे। जो मनी वहाँ के जो पैसा वाले लोग हैं वो एज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते थे, और उसका भी घर सूरत में ही रहता था। तो सूरत हुंडिस वेर ऑनर हुए, देखो सूरत के जो हुंडिस लोग थे, हुंडिस का मतलब क्या है देखो, डिपोजिट यानी कि जो इट इज़ अ नोट रिकॉर्डिंग ए डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन, द अमाउंट डिपॉजिट कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस। देखो हुंडी का मतलब है कि हमने एक जगह पैसा डिपॉजिट कर दिया और जाके तुम वेस्ट एशिया में भी पैसा ले सकते हो कि हमने फलना फलना जगह पे डिपॉजिट कर दिया, एक तरह से तुम्हारा पैसा वहाँ मिल जाएगा।
तो देखो सूरत एक तरह से हुंडीस के रूप में काम आ गया कि सूरत में पैसा जमा कर दिया तुमको चाइना में मिल जाएगा, जाके रशिया में भी जाएगा तो वहाँ भी मिल जाएगा, और उसके लिए तुमको वहाँ पे एक लेटर देगा कि हुंडी में तुमने सूरत में तुमने पैसा जमा किया था, एक तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट, समझ गया ना, LOC है ये, अभी भी होता है। तो सूरत हुंडीस वेर ऑनर्ड, देखो अलग अलग, कायरो में, इजिप्ट में देखो मान्यता है इसका, इराक में मान्यता है, बेल्जियम में मान्यता है, और क्या चाहिए। और बार सूरत बिगेन टू, बाद में डिक्लाइन होना शुरू हो गया 17th century के बाद, जब अंग्रेजी ने पूरा कब्जा कर लिया, बिकॉज मैनी फैक्टर्स, मार्केट उतना रहा ही नहीं, प्रोडक्शन घट गया क्योंकि मुगल एम्पायर घट गया, तो सी रूट्स पोर्टुगीज ने कंट्रोल कर लिया, कंपटीशन हो रहा है वहाँ पे बम्बई को लेकर, क्योंकि सूरत के बाहर जो सबसे आगे गया है वो बम्बई गया है, और बम्बई सूरत से भी ऊपर गया है, तो बम्बई जो सूरत का जो रेलेवेंस था वो ख़त्म हो गया, समझ गए ना, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी देखो अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया, और उसके बाद सूरत अभी भी स्टिल सूरत, देखो अब कब किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर सूरत से कब कन्वर्ट किया, 1668। अब ये भी हिस्ट्री जानता है जो UPSC का तैयारी कर रहा है, 1661 में दहेज ग्रुप में मिला था, और उसका देखो बॉम्बे प्रेसिडेंसी बना था ना 1667 में, तो समझ जाओ, और जैसे बना 1668 में हेडक्वार्टर भी चेंज हो गया था। अब यहाँ पे समझो अभी भी स्टिल सूरत इंपॉर्टेंट जगह है कि नहीं है, सूरत में अभी भी गारमेंट वगैरह मिलता है ना, सूरत से लोग जाते हैं, यहाँ बिहार के बेगूसराय के लोग भी जाते हैं सूरत से सामान लाने के लिए, हमारे खुद जीजाजी जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो, टेक्सटाइल्स के लिए जाना जाता है, जैसे लुधियाना देखो, लुधियाना भी टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। अब फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स मसूलीपट्टनम, अब देखो यहाँ पे फिशिंग वगैरह बताया जाएगा, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, ठीक है, यानी कि मसूलीपट्टनम बोलो, इसका नाम ही है कि फिश पॉट टाउन, यानी कि जहाँ पे फिशिंग हो रहा है और उससे टाउन डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि फिश का मतलब है पैसा, लोग खाएगा बिकेगा तो पैसा ही आएगा, तो उससे टाउन डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है, वही तुम्हारा कृष्णा रिवर के ऊपर, उस कृष्णा रिवर का जो डेल्टा है, डेल्टा समझते हो ना आप, ये सब तो नहीं बताना पड़ेगा। इन द 7th century बाद में देखो इंटेंस एक्टिविटी यहाँ पे होने लगे मसूलीपट्टनम में, अब मैंने शुरू में ही कह दिया तुमको सूरत तो इधर मसूलीपट्टनम, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था, और देखोगे यदि तुम यूरोपियन पावर को, तो हर कोई इधर भी बनाना चाहता था। देखो बोथ द डच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी देखो कोशिश किया कि मसूलीपट्टनम को कंट्रोल करने का, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था उस समय का आंध्रा कोस्ट का, ये तो फोर्ट एट मसूलीपट्टनम, देखो फोर्ट भी बनाया था, किला भी बनाया था डच ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन दिया गया विलियम मेथोड का दिया गया है, जो कि वहाँ पे फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या है, IAS जो बने सिविल सर्वेंट उसका पहले का जो नाम है वो फैक्टर, राइटर फैक्टर ये होता था, सीनियर मर्चेंट जूनियर मर्चेंट, बताएं कभी तुमको बताए होंगे UPSC वाले स्टूडेंट को, बोले थे ना कि UPSC जो IAS जो बना है कलेक्टर, कलेक्टर से पहले अलग अलग पद होता था, फैक्टर होता था, उसके बाद राइटर होता था, फिर सीनियर मर्चेंट जूनियर मर्चेंट, सॉरी जूनियर मर्चेंट एंड देन सीनियर मर्चेंट, वो सीनियर मर्चेंट एज अ कलेक्टर काम करता था, बट शुरू का जो था पहला वाला उसको फैक्टर बोलते थे। तो इस तरह का एक फैक्टर है वो इसके बारे में बोलता है, ये मसूलीपट्टनम के बारे में देखो, दिस अ चीप पोर्ट ऑफ गोलकंडा वेर द राइट वर्शिपफुल ईस्ट इंडिया कंपनी हैव देयर एजेंट, अपना एजेंट है वहाँ पे इन लोग का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये छोटा टाउन तो है बट बहुत पॉपुलस है, बहुत आदमी लोग हैं यहाँ पे, अनवर्ल्ड है यानी कि वर्ल्ड से घिरा हुआ नहीं है, फोर्टिफाइड नहीं है, इल बिल्ट एंड वर्स सिचुएटेड, उतना बढ़िया सिचुएटेड नहीं है, बट विद इन ऑल द स्प्रिंग्स आर ब्रैकिस, बट ब्रैकिस से वहाँ, ब्रैकिस मतलब सी से जुड़ने वाला जगह है, वो सी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, देखो ब्रैकिस वाटर बोलते हैं ना, जब लैंड से वाटर आता है और रिवर से वाटर आता है जो मिलता है उसको ब्रैकिस वाटर कहते हैं, तो वो लोकेशन को भी बता रहा है। इट वॉज द फर्स्ट पोअर फिशर टाउन, पहले तो गरीब आदमी का फिशर टाउन था, आफ्टर वर्ड्स देखो रोड वहाँ पे बनने लगे तो मर्चेंट लोग आने लगे और आस्ते आस्ते तुम्हारा डच का नेशन एक तरह से बन गया वो, तो ये बताया जा रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंस बन गया बाद में। कुतुबशाही रूलर्स ऑफ गोलकंडा इम्पोज रॉयल मोनोपोलिस, जितने भी टेक्सटाइल्स वहाँ पे बिकते थे उसके ऊपर जो गोलकंडा का जो रूलर्स था उस समय जिसका नाम था कुतुबशाही, वो टैक्स लगाते थे, चाहे टेक्सटाइल हो, स्पाइसेस हो या बाकी आइटम भी हो सकता है, समझे, टू प्रिवेंट द ट्रेड पासिंग कम्प्लीटली इन टू द हैंड्स ऑफ वेरियस, क्योंकि पता है कि बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी, चाहे वो डच हो चाहे फ्रेंच हो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लड़ाई कर रहा है मसूलीपट्टनम को लेने के लिए, और उस समय के जो राजा थे कुतुबशाही जो गोलकंडा के थे वो टैक्स लगाते थे ताकि ये लोगों को पूरा फ्लेक्सिबिलिटी ना मिले, यदि फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया तो हो सकता है कंट्रोल करके वो टैक्सेसिंग पावर वो भी खत्म कर देगा, साम्राज्य भी ले लेगा उधर, इसलिए।
फेयर्स कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स, वहाँ पे देखो कंपटीशन अच्छा खासा कंपटीशन होता था, जैसे गोलकोंडा का नोबल्स के साथ, पर्शियन मर्चेंट्स भी है, तेलुगु कोमाटी चेटीज भी है, यूरोपियन ट्रेडर्स, सबका कंपटीशन हो रहा है कि कौन आगे, कौन जितना कम कमाएगा इस टर्म्स से। अब जब इस लेवल पर कंपटीशन हो जाए, अलग अलग पावर भी जुड़ा हुआ है, तो वो अपने आप बहुत बड़ा टर्म्स बन जाएगा ना। बनिया क्लास का जब कहीं पे कंपटीशन होगा तो टर्म्स तो बनना ही है, क्यों, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा तो लॉट ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉट ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लॉट ऑफ गुड टर्म्स। तो इसलिए देखो पॉपुलस बन गया और प्रॉस्परस बन गया ये सिटी। देखो एज द मुगल बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर, देखो मुगल ने भी नीचे आया ना, जैसे अकबर के टाइम में और औरंगजेब के टाइम में, देखो गोलकोंडा पे गया है, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा था। तो जैसे एक एग्जांपल, जो रिप्रेजेंटेटिव जो मुगल भेजा है वो मीर जुमला था, जो खुद मर्चेंट था, और उसने क्या डच के साथ और इंग्लिश के साथ अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि उसने पूरा गेम किया कि डच और इंग्लिश को लड़वा दो, लड़वाओगे तो हमारा कंट्रोल रहेगा नीचे। और ऐसा पहले बहुत होता था देखो। और इनफैक्ट 1686 और 1687 में मुगल एम्पायर औरंगजेब खुद गोलकोंडा को एनेक्स कर लिया। गोलकोंडा को एनेक्स करने का मतलब क्या कि मछलीपट्टनम अपने हाथ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है चीज़ भी तुमको, कौसे कुछ भी हिस्ट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज है, चाहिए नॉलेज थोड़ा बहुत, लोकेशन का नॉलेज चाहिए, लिख तो देता है इतना बड़ा बड़ा शब्द, उसके लिए एक बैकग्राउंड में और भी नॉलेज होना चाहिए समझने के लिए। देखो दिस कॉज द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव। अब देखो जब इस तरह का तुम औरंगजेब ने गोलकोंडा को ले लिया, तो अब ये लोग तितर बितर हो जाएगा, ये लोग कहाँ जाए, तो ये लोग अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर देगा जितने भी यूरोपियन कंपनीज हैं। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डैट इट वॉज नॉट इनफ इफ अ पोर्ट हैड कनेक्शन विद द प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ द हिंटरलैंड। तो इन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि अब ऐसा होने वाला नहीं है कि हमारा कंपनी है, आ कंपनी का थोड़ा कनेक्शन है प्रोडक्शन सेंटर से, और वो हिंटरलैंड यानी कि गाँव देहात से वहाँ से कॉटन ला रहे हैं, यहाँ कंपनी बना रहे हैं, तो ये नहीं होने वाला है। अब हमें भी इस लैंड को हथियाना होगा, तभी जाके हम और ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। और यही जदोजहद में लग जाता है ये लोग। द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर इट वॉज फेल्ड, सो इसलिए इन लोगों को लग रहा है कि खाली अब ट्रेडिंग कंपनी की तरह नहीं रहे, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल रोल सभी रोल प्ले करे। तो यही तो हुआ है, बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ बताओ, बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, दिवाली राइट्स मिला कि नहीं मिला, ये तरीका है। जब गोलकोंडा एनेक्स किया इन लोगों को लगने लगा कि नो, अब इसको कंट्रोल करना, जमीन को कंट्रोल करना जरूरी है, केवल कंपनी रहने से और जो हमारा गांव देहात से जो हम वहाँ सामान ले आए प्रोडक्शन कर लिए तो उतना ही इनफ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देगा तो फिर अनवाइबल हो जाएगा, प्रोडक्शन बिकेगा नहीं उतना जो प्रोड्यूस हुआ है। तो जरूरी है कि लैंड भी यदि हमारा होता तो ज़्यादा बेटर होता है, तो अब वो स्ट्रेटजी अपनाएगा ये लोग। देखो एज अ कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बम्बई, देखो बम्बई गया, कलकत्ता गया, मद्रास गया, तो मछलीपट्टनम लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट एंड प्रॉस्पेरिटी एंड डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ द, बट बाद में मछलीपट्टनम का जो वैल्यू था वो घट गया, क्योंकि सब लोग कलकत्ता की तरफ भागना शुरू कर दिया, ठीक है, इधर, ताकि जानते हो प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी बन गया, कलकत्ता प्रेसिडेंसी बन गया, समझ में आ रहा है कौन सी क्या बोल रहा है, मद्रास प्रेसिडेंसी बन गया है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, जब इतना बड़ा प्रेसिडेंसी बन गया, अब क्योंकि बाकी पावर रहा ही नहीं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी में केवल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, वो सब झुक गया, नीचे चला गया। और जानते हो अंग्रेज के टाइम में 3 प्रेसिडेंसी सबसे ऊपर गया, तो यहाँ जो इंपॉर्टेंस था वो इंपॉर्टेंस खत्म हुआ, क्योंकि मर्चेंट जो इंपॉर्टेंट मर्चेंट सब है वो सब तीनों प्रेसिडेंसी में चला गया। और डिक्लाइन हो गया तुम्हारे 18th सेंचुरी में, बट बींग टूडे नथिंग मोर देन अ लिटिल टाउन, अभी तो बहुत छोटा टाउन हो गया वो, तो कहाँ फिशिंग पोर्ट से कहाँ बड़ा भव्य रूप बना था वो, फिर भव्य रूप कम टाउन हो गया। ऐसा हुआ है जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी देखो कितना बड़ा टाउन था ये एक टाइम में, अभी देखो कुछ नहीं है, खंडर है वो, ऐसा होता है। तो न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, देखो इन द 7th एंड 17th सेंचुरी यूरोपियंस कंट्रीज वेर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल, जानते हुए सब चीज़ 16th सेंचुरी और 17th ये रेंगते हुए आ रहा था ये लोग, इसको स्पाइसेस चाहिए, इसको टेक्सटाइल चाहिए, ठीक है। और जानते हो जो कि यूरोप और वेस्ट एशिया सब में फेमस था, और यहाँ से लेगा वहाँ बेचेगा, वास्को डी गामा देखो वो धरती का बोझ आया यहाँ से लिया और बहुत कमाया बाहर जाके, उसको लग गया लोग, और सब उसको पीछे देखते देखते फॉलो करते हुए आया, पोर्टुगीज आया तो डच आया, डच आया तो सब बाकी सब आया, और बन गया गुलाम हमारा देश, ट्रेडिंग के वजह से गुलाम बना, समझा। तुम बोल दिया कि बेगूसराय को भव्य बनाओ, भव्य बनाओ, और पता चला कि तुम विदेश से बहुत इन्वेस्टमेंट FDI कर दिया, हम्मन टोटा क्या हुआ बताओ ना, हम्मन टोटा जानते हो ना श्रीलंका का, तो फिर इसे समझ जाओ ना, दिक्कत है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने शुरू में मार्केट नहीं खोला था, यही कारण है कि 200 साल का गुलामी झेल के जस्ट आए हैं, फिर ट्रेडिंग खोल देंगे तो बाहर से आके ग्लोबलाइजेशन के नाम पर फिर कब्जा लेगा जमीन, अब फिर लड़ाई करना पड़ेगा, लंबा बैटल चलाना पड़ेगा। देखो वही सब चीज़ है यहाँ पे,
इन द यूरोपियंस करने वही आ रहा है ये लोग, इंग्लिश डच देखो फ्रेंच ने अपना अपना बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनीज बनाया ताकि वो कमर्शियल एक्टिविटीज ईस्ट में कर सके, ईस्ट मतलब इंडिया में हो। अब यूरोप के हिसाब से ईस्ट तो हमारा इंडिया हुआ ना, वहाँ से देखो बाबू यूरोप कहाँ है पता है ना, यूरोप यूरोप कहाँ है कौशिक पता है कहाँ है यूरोप, दिखाओ जल्दी से मैप में, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, हमारे विद्यार्थी को पूरा मैप पता होना चाहिए, बताओ यूरोप कहाँ पे है, कजाकिस्तान को तुम यूरोप बोल रहा है, यूरोप देखो वो फ्रांस देखो, फ्रांस स्पेन देखो, हाँ ये टोटल वो यूरोप है, ऐसे करो पूरा देखो, और यहाँ पे देख लो इसका, यहाँ पे देख लो यहाँ पे जूम करके दिखा, यही यूरोप है। तो यूरोप के हिसाब से देखोगे तो इंडिया क्या हुआ, ईस्ट हुआ ना, करेक्ट, यूरोप के हिसाब से ईस्ट डायरेक्शन क्या है, इंडिया हुआ ना, इसलिए ईस्ट इंडिया को बोला जा रहा है, बैठो। हाँ तो ईस्ट वर्ड का मतलब होता है, ठीक है ना, यूरोप के नज़र से ईस्ट, यूरोप के नज़र से ईस्ट इंडिया आएगा कि नहीं आएगा, चाइना भी ईस्ट में ही आएगा, जापान भी ईस्ट में ही आएगा, साउथ ईस्ट एशिया भी ईस्ट में ही आएगा, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था उस समय, ये लॉजिक है। देखो तो देखो ये जितने भी इंग्लिश डच फ्रेंच आए हैं इसने क्या बनाया, तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनीज बनाया ताकि वो अपना कमर्शियल एक्टिविटीज ईस्ट में कर सके, यानी कि इंडिया सब में कर सके। इनिशियली देखो ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स एग्जांपल दिया गया कि मुल्ला अब्दुल गफर हो गए, बिरजी बोरा हो गए, इसके बाद बहुत सारे शिप्स रहते थे बहुत ज़्यादा और एक दूसरे से कंपेयर करते थे, सब इंडियंस ही थे लोग। हाउएवर द यूरोपियन कंपनी यूज़ दिया, यूरोपियन कंपनीज पास नेवल पावर बहुत तगड़ा है, अलग अलग शिप है ना, क्योंकि वहाँ पे रिनान्सस एज आ गया यूरोप में, यूरोप में जब रिनान्सस एज आएगा तो ये क्या काम करेगा, इंडिया का जो भी होगा वो फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा बड़ा मशीन बनाएगा तो वो फिट गया, ठीक है। तो यही कारण है कि बाद में जाके अल्टीमेटली क्या हुआ, इंग्लिश इमर्ज, इंग्लिश सबसे पावरफुल बन के आया है और पूरा सब कंटिनेंट में पूरा हुकूमत, जितने भी इंडियन ट्रेडर्स थे सब पीछे चले गए। स्पॉट इन द डिमांड फॉर द गुड्स लाइक टेक्सटाइल लेट द ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ का, देखो चूंकि डिमांड है गुड्स का टेक्सटाइल का, इसके वजह से स्पिनिंग वाला व्यवस्था, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग, ये सब तुम्हारा बढ़ने लगा, विथ मोर एंड मोर पीपल टेकिंग देम अप, तो आर्टिसंस लोग बढ़ने लगे, इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन बिकेम इंक्रीजिंग रिफाइंड, और इंडियन जो टेक्सटाइल डिजाइन था वो और भी बढ़ने लगा, तो और भी उसमें रोजगार क्रिएट होने लगा। बट एट द सेम टाइम तुम जानते हो कि बाहर का जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ शुरू होगा तो हमारा सब पिट जाएगा नए तरीके से। 1800 के बाद क्या हुआ, 1715 में आया इनिशियल स्टेज में तुम्हारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कहाँ पे, यूरोप में, यानी कि इंग्लैंड में आया। आस्ते आस्ते नेपोलियन ने पूरा यूरोप में फैला दिया, और उसका जब प्रकोप होगा भारत में, भारत में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो हाउएवर दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डिक्लाइन, वही बोल रहा है कि जो क्राफ्ट पर्सन का जो इंडिपेंडेंस था वो डिक्लाइन हुआ है। देन आल्सो बिगन ऑन द वर्क ऑन एडवांसेस व्हिच मीन दैट दे हैड टू वीव क्लॉथ व्हिच वाज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड टू यूरोपियन एजेंट्स। जब यूरोपियन एजेंट आ गया तो उसके साथ जो प्रॉमिस हुआ तो उसी को तुम बुन के दोगे, उसी को तुम बना के दोगे, तुम्हारा जो फ्री मार्केट में बेचने का जो औकात था वो औकात खत्म हो गया। वी वर्स नो लॉन्गर हैड, कोई लिबर्टी नहीं कि अपना क्लोथ कहीं भी बेचने का, अपने तरीके से बेचने का। दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिजाइन, वही डिजाइन करें, जो कंपनी बोलेगा कि ये डिजाइन प्रोड्यूस करी तो वही डिजाइन करोगे, तो कोई इनोवेशन नहीं होगा, पहले फिक्स कर दिया जाएगा। 18th century देखो, 18th century में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, जानते ही हो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज जो कि अभी के लिए भी है। क्राफ्ट्स और कॉमर्स देखो मेजर चेंजेस हुए हैं, मर्चेंट आर्टिसंस देखो मूव टू ब्लैक टाउन्स गए हैं, जो कि यूरोपियंस ने क्रिएट किया था उस समय, तो टाउन सब में गए हैं ब्लैक्स कम, और नेटिव ट्रेडर्स विद क्राफ्ट पर्सन वेयर कन्फाइंड हियर, यानी कि जो ब्लैक टाउन्स का मतलब है वहाँ पे नेटिव ट्रेडर्स वगैरह वहाँ सब रहेंगे, जबकि वाइट रूलर्स ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेसिडेंस। और देखो दो टाउन होता था, एक ब्लैक टाउन मतलब जो इंडियंस लोग जाकर बसते थे, और एक तुम्हारा वाइट टाउन्स जहाँ पे अंग्रेज लोग रहते थे, क्योंकि अंग्रेज लोग हमेशा रेसियल डिस्क्रिमिनेशन करेगा ही करेगा, हम लोग गोरे भी हैं तो उन लोगों के लिए काले ही हैं, नहीं तो इंडियंस लोग तो पूरा ब्लैक तो नहीं है, इंडिया में इतना ज़्यादा वेरिएशंस है। अब साउथ में पकड़ लो तो पूरा ब्लैक है, नॉर्थ पकड़ोगे तो पूरा वेरिएशन है, और नॉर्थ ईस्ट पकड़ोगे तो और ज़्यादा गोरा है लोग से, नॉर्थ ईस्ट के लोग से, है कि नहीं है। पंजाब में देखोगे तो हद गोरा है, पंजाब के लोग बहुत गोरे होते हैं, फिर भी हम लोग को ब्लैक ही बोलता था, फिर भी हम लोग ब्लैक थे। एक तो ब्लैक वाइट तो क्या है यार, मतलब बॉब मार्ले का गाना में डांस करेगा ये लोग, स्नूप डॉग का गाना पे वो लोग डांस करेगा, फिर समझा मैं ब्लैक बोल देगा अंतिम तभी ना। एमिनियम जो तुम्हारा जो इतना बड़ा रैपर था, किसी को लग रहा था कि इंग्लिश वाला कोई रैपर ही नहीं बन सकता, तो एमिनियम आके ये विचारधारा भी तोड़ दिया कि जाओ हम ब्लैक से भी बढ़िया रैपर वो बन सकते हैं, रैपर बन सकते हैं, बना कि नहीं बना वो, क्योंकि उस समय धारणा यही था कि केवल ब्लैक लोग ही गा सकता है, रैप कर सकता है। और देखो एमिनियम इससे फास्ट रेट्स कोई नहीं बना है, इसे तेज बोलने वाला रैपर, एमिनियम से बड़ा रैपर तो कोई नहीं है इतना तेज रैप करने वाला। अभी जरा बहुत दुख का दिन काटा है उसने, उसका डॉक्यूमेंट्री जाकर देखो समझ में आ जाएगा तुम लोग को। देखो
ये समझ में आ गया ना? तो वाइट रूलर्स देखो, वाइट रूलर्स तो बैठते थे फोर्ट शॉर्ट, तुम्हारा जॉर्ज जो था मद्रास का या फोर्ट सेंट विलियम, वहाँ पे लोग बसते थे, यानी कि टाउन भी दो भाग में डिवाइड हो गया। स्टोरी ऑफ क्राफ्ट्स एंड कमर्स इन द 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप, आने वाले समय में पढ़ेंगे। बताओ कंप्लीट तो कर दिया, कितना बढ़िया बात है। अब जब यहाँ भारत में हो रहा था, बाहर क्या हो रहा था? देखो ये आ गया, चोरबा आ गया, वास्को डा गामा आ गया, क्रिस्टोफर कोलंबस आ गया, चोरबा ही बोलेंगे इसको, इसी की वजह से सब खत्म हुआ है भारत का, या फिर फायदा भी हुआ है। अब जैसे तुमको समझना है समझो, दोनों हुआ। देखा ये डिबेट का है। देखो वास्को डा गामा, देखो वास्को डा गामा और क्रिस्टोफर, देखो हम वो भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, बाद में हमारा भी बम्बू होगा, देखो पकड़ लेगा ना। मगर देखो हमारा बढ़िया बात है कि 2 या 3 व्यूज ज़्यादा जाने वाला नहीं है, अच्छा बात ये है मेरे लिए, तभी हमारा पूरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहता है। आ किसी दिन हम फेमस हो गए ना बाबू, जिस दिन फेमस हुए उस दिन हमारे ऊपर लगेगा भी कि इतना हम क्रिटिसाइज़ किए हैं। इससे पहले बहुत सारा पढ़ाए थे हम हिस्ट्री ऑप्शनल सब का, उसमें इतना इतना खतरनाक सब बोले हैं हम, हमको पता भी नहीं कि हम क्या बोले हैं उसमें। देखो वास्को डा गामा, देखो इन द 15th सेंचुरी यूरोपियन सेलर्स आया ये लोग, इसको एक्सप्लोरेशन करना है, इसको मजा लेना है, मजा करते करते नीचे आ गया ये, ठीक है। डिजायर था कि क्या है इंडियन सबकॉन्टिनेंट, क्या है, क्या स्पाइसेस, ये करके आ गया ये। वास्को डा गामा देखो पोर्टुगीज सेलर था, ये आया अफ्रीकन कोस्ट में रहा कुछ दिन, वही केप ऑफ गुड होप, और क्रॉस किया है तुम्हारा यहाँ पे इंडियन ओशन को। पहला जर्नी देखो 1 साल लगा था इसको, कैलिकट आया 1498 में, ठीक है, फिर लिस्बन गया था, कैपिटल ऑफ पोर्टुगल, ठीक है, उसी समय गया था ही, बाद में 1 साल बाद फिर रिटर्न हो गया था, 1 साल बाद नहीं रिटर्न हुआ था, कहाँ पे गया था, लिस्बन में गया था, लिस्बन तुम्हारा पोर्टुगल का कैपिटल था, ठीक है, 3 महीना बाद, 1 साल नहीं। ही लॉस्ट 2 ऑफ हिज 4, बताओ 2 आदमी मर गया इसका, जो 4 ships, दो ships मर गया नहीं, 2 ships खत्म हो गया इसका, जो 4 ships आया था, एंड 170 men एट द स्टार्ट ऑफ जर्नी, मतलब 170 आदमी आया था इसके साथ, ओनली 54 survived, इतना आसान नहीं, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द ऑब्वियस हजार्ड द रूट्स डेट वेर ओपन अप प्रूव टू बी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल, मानते कि बहुत डेंजर था वो, मैं बहुत प्रॉफिटेबल रहा, क्योंकि बाद में इसको देखते देखते सबको आ गया है ना। देखो बाद में किसको किसको फायदा हुआ है, देखो इंग्लिश को, डच को, फ्रेंच सेलर्स को। सर्च फॉर सी रूट्स टू इंडिया, एक ये अपने आप में गजब बात थी कि किसी को नहीं पता था कि बाद में ये रूप ले लेगा, बाद में इससे तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी एक सल्तनत क्रिएट कर लेगा, यू नेवर नो, है ना। वास्को डा गामा कि भाई इससे क्या क्या हुआ है बाद में, और ऐसा नहीं कि वास्को डा गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया, बाबू इंडिया बहुत दुनिया पहले से जानता था इंडिया क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम मेसोपोटामिया से कर रहे थे, ये थोड़े खोजा है, ये बुड़बक खोजा है तुम्हारा यूरोप का, सी रूट खोजा है। इंडिया कोई बोला है कि इंडिया को डिस्कवर करने वाला, तो ऐसा नहीं है, कई बार तुमको कन्फ्यूज़ करके दे भी देता है क्वेश्चन। ऑन द अजम्पशन डेट अर्थ गोल है, तो क्रिस्टोफर कोलम्बस क्या हो, इटालियन जो था वो बोला कि चलो थोड़ा वेस्ट साइड में जाते हैं, और ये गया और इसको खोजना था इंडिया, आ गया वो पहुंचा बहामास में, वेस्ट इंडीज़ में पहुंचा, इसलिए इंडीज़ है वहाँ पे नाम, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ जो है ना ये ढूंढा था, ये गया था इंडिया, क्रिस्टोफर कोलम्बस आया था इंडिया खोजने के लिए, सबको पता है कि इंडिया बहुत रिच कंट्री है, सोना का चिड़िया तो ऐसे नहीं बोला जा रहा था, है ना। मैं ये क्या क्या उधर गया और उसको बहामास सब मिला वहाँ पे, इसलिए वहाँ के लोग को रेड इंडियन कहा जाता है, समझे। तो ही लैंडेड इन, देखो वेस्ट इंडीज़ में लैंड किया, वही बोल रहा है, इसलिए कन्फ्यूजन था इसलिए उसका नाम रख दिया वेस्ट इंडीज़, 1942 में खोजा वहाँ पे। ही वॉज फॉलोड बाई सेलर, और भी आया इसके पीछे, देखो स्पेन का लोग सब दौड़ते हुए आया है पोर्टुगल्स का, और यही कारण है कि सेंट्रल और साउथ अमेरिका को कब्जा लिया, और अभी भी स्पेनिश और इटालियन बोला जाता है वहाँ पे, यही तो है समझा। और उसके बाद देखते हो कितना लड़ाई हुआ वहाँ पे भी, चला है आंदोलन अर्जेंटीना ब्राज़ील सब, वो भी लड़ा है। तो ये है वास्को डा गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस का कहानी, देख लेना सभी चीज़।